इकाई प्रथम। पहला, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1858 का अधिनियम, 1861 का भारतीय काउंसिल अधिनियम। प्रश्न पहला, महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र पर एक लेख लिखिए। उत्तर, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को ब्रिटिश ताज ने भारत का शासन औपचारिक रूप से अपने हाथों में ले लिया, जिसकी घोषणा इलाहाबाद में एक दरबार में की गई। उसी अवसर पर गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने भारत के राज्यों तथा जनता के लिए रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया गया। घोषणा इस प्रकार थी। घोषणा में सबसे पहले कहा गया था कि रानी ने इंग्लैंड की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स एवं हाउस ऑफ कॉमन्स की सलाह से भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया है। घोषणा में आगे रानी ने भारत के अपने सभी प्रजाजनों से कहा कि वे उसके रानी के तथा उसके वंशजों और उत्तराधिकारियों के प्रति भक्तिभाव बनाए रखें और स्वयं को उन लोगों की सत्ता के प्रति समर्पित करें जिन्हें रानी उन पर शासन करने के लिए समय समय पर नियुक्त करें। घोषणा में कहा गया कि रानी ने अपने भारतीय प्रदेशों के शासन के लिए लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय एवं गवर्नर जनरल नियुक्त किया है। वह रानी के नाम से और उसकी ओर से शासन का संचालन उन आदेशों और विनियमों के अनुसार करेगा जो उसे रानी की ओर से राज्य के एक प्रमुख सचिव के द्वारा प्राप्त होते रहेंगे। घोषणा के द्वारा रानी ने ईस्ट इंग्लैंड या कंपनी द्वारा भारत के राज्यों के साथ की गई सभी संबंधियां एवं समझौते को अंगीकार स्वीकार कर लिया और वचन दिया कि उनका निष्ठा और सावधानी से पालन किया जाएगा। साथ ही साथ रानी ने यह आशा भी व्यक्त की कि देशी राजा भी उन संबंधियों और समझौतों का उसी भांति पालन करेंगे। रानी ने कहा, हम अपने वर्तमान राज्य क्षेत्र का विस्तार करने के इच्छुक नहीं हैं। साथ ही साथ हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि जहां हम किसी को इस बात का अनुज्ञा नहीं देंगे कि वह हमारे प्रदेशों पर अथवा हमारे अधिकारों के बिना दंड के भय के आक्रमण करें, वहीं हम इस बात की अनुमति भी नहीं देंगे कि दूसरों की भूमि अथवा अधिकारों का अतिक्रमण किया जाए। हम देशी नशेरों के अधिकारों, गरिमा तथा प्रतिष्ठा का उसी प्रकार सम्मान करेंगे जिस प्रकार अपनी सरकार का करते हैं और हम चाहते हैं कि वे तथा हमारे प्रजाजन उस समृद्धि तथा सामाजिक प्रगति का उपयोग करें। वो आंतरिक शांति और सुशासन के से प्राप्त होती है। हम मानते हैं कि हम अपने भारतीय प्रदेशों के निवासियों के प्रति कर्तव्य के उन्हें दायित्वों से बंधे हुए हैं जो हम अपने अन्य प्रजाजनों से बांधते हैं और सर्वशक्तिमान ईश्वर के आशीर्वाद से हम उन दायित्वों की निष्ठा एवं शुद्ध अंतकरण से पालन करेंगे। रानी ने स्वीकार किया कि उसे अपने प्रजाजनों पर अपने धार्मिक विश्वासों को थोपने का कोई अधिकार नहीं है। उसने घोषणा की कि धार्मिक विश्वासों एवं पूजा पाठ आदि के कारण न किसी के साथ पक्षपात किया जाएगा, न किसी को कष्ट दिया जाएगा और न किसी की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। सभी को कानून का समान और निष्पक्ष संरक्षण प्राप्त होगा।
रानी ने घोषणा के द्वारा उन लोगों को जिनके हाथों में भारत के शासन की भागदौड़ थी, कठोर आदेश दिया कि वे किसी प्रजाजन के धार्मिक विश्वासों एवं पूजा पाठ में हस्तक्षेप नहीं करें, और यदि उन्होंने इस आदेश का अवहेलना की तो उन्हें रानी की अप्रशंसा का शिकार बनना पड़ेगा। घोषणा में आगे कहा गया कि रानी के प्रजाजन चाहे वे किसी भी नस्ल अथवा धर्म के हों, उन्हें उन सरकारी सेवाओं में खुले तौर पर निष्पक्ष रूप से प्रवेश पाने का अधिकार होगा जिनके लिए उनके पास शिक्षा, योग्यता, ईमानदारी आदि की अहताएं होंगी। घोषणा में वचन दिया गया कि कानूनों को बताया तथा लागू करते समय भारतीयों के पारंपरिक अधिकारों तथा रीति रिवाजों का ध्यान रखा जाएगा। घोषणा के द्वारा उन सब लोगों को बिना शर्त के क्षमा प्रदान की गई जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया था। अंत में कहा गया कि आंतरिक शांति की पुनः स्थापना के उपरांत शक्ति से उद्योगों को तथा सार्वजनिक उपयोगिता और उन्नति के निर्माण कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और शासन का संचालन इस ढंग से किया जाएगा कि सभी प्रजाजन लाभान्वित हो, क्योंकि उनकी समृद्धि से हमारी शक्ति होगी, उनके संतोष से हमारी सुरक्षा और उनके कृतज्ञता हमारे लिए सबसे बड़ा परितोषित होगा। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इस अधिनियम के विषय में लिखा है, भारतीयों के लिए इस घोषणा पत्र में स्वर्ग धरती पर ला दिया। इसमें भारतीयों के लिए शांति, समृद्धि, धर्म की रक्षा, समान व्यवहार तथा सबके ऊंची नौकरियों पर नियुक्ति का वायदा किया। प्रश्न दूसरा, सन 1858 ईस्वी के भारत अधिनियम का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, अथवा 1858 ईस्वी के भारत अधिनियम के प्रावधानों की विवेचना कीजिए, अथवा 1858 ईस्वी के भारत अधिनियम के कारणों तथा स्वरूप की विवेचना कीजिए। उत्तर, अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। गृह सरकार, नियंत्रण परिषद तथा निशेषक निदेशक मंडल समाप्त कर दिए गए और उनका स्थान भारत मंत्री एवं परिषद ने ले लिया। दूसरा, प्रावधान किया गया कि भारत मंत्री की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद होगी, जिसके 8 सदस्यों के ताज तथा 7 को निदेशक मंडल नियुक्त करेगा। तीसरा, इन सदस्यों से कम आधे ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो भारत में कम से कम 10 वर्ष तक सेवा कर चुके हों और नियुक्ति के समय उनको भारत छोड़े 10 वर्ष से अधिक ना हुआ हो। चौथा, कोई भी सदस्य ना तो संसद में बैठेगा और ना ही मतदान में भाग लेगा। पांचवा, क्राउन द्वारा नियुक्त सदस्यों के पद जब रिक्त होंगे तो उन पर नियुक्त क्राउन की ही करेगा तथा निदेशकों द्वारा नियुक्त सदस्यों के रिक्त स्थानों को भरने का अधिकार स्वयं परिषद को होगा। छठा, सदस्य अपने पद की सदाचार पर्यंत अर्थात जब तक कार्य करते रहेंगे जब तक ही
कि उनका आचरण ठीक रहेगा और उन्हें संसद की याचना पर क्राउन द्वारा हटाया जा सकेगा। सातवां, भारत मंत्री ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का सदस्य होगा और संसद में बैठेगा। उसकी सहायता के लिए एक संसदीय ऊपर सचिव होगा। आठवां, भारत मंत्री परिषद की बैठकों का अध्यक्षता होगी करेगा। कुछ विषयों में मंत्री को परिषद के बहुसंख्यक सदस्यों की राय से काम करना आवश्यक होगा, यथा भारत के राजस्व में से धन व्यय करना, गवर्नर जनरल की परिषद के साधारण सदस्यों की नियुक्ति इत्यादि। अन्य मामलों में वह परिषद की राय के विरुद्ध भी कार्य कर सकेगा। परिषद को किसी मामले में पहल करने का अधिकार नहीं था। वह उन्हीं मामले पर उनकी सलाह दे सकते थे जो उनकी समक्ष प्रस्तुत किए जाते थे। नौवां, मंत्री को परिषद की कार्यवाही के लिए नियम बनाने तथा समितियों का निर्माण करने और विभिन्न विभागों का काम उनके सुपुत्र करने का भी अधिकार होगा। दसवां, प्रावधान किया गया कि भारत के राजस्व का प्रयोग भारत के लिए किया जाएगा। मंत्री तथा उनके पार्षद के सदस्यों का वेतन तथा भारत मंत्री कार्यालय का खर्च, कंपनी के ऋण की राशि तथा उनके शेयरों के लाभांश की राशि भारतीय राजस्व से चुकाई जाएगी। ग्यारहवां, मंत्री भारत सरकार को जो भी संप्रेषण भेजेगा उन सबको वह परिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगा या उसके कमरों में 7 दिन तक रखा रहेगा रहने देगा। यदि परिषद के बहुसंख्यक सदस्यों ने किसी संप्रेक्षण का विरोध किया और फिर भी मंत्री अपने निर्णय पर डटा रहा तो उसे उसके कारणों को दर्ज करना पड़ेगा। किंतु जिन मामलों का संबंध युद्ध, शांति आदि से होगा उन्हीं वह गोपनीय अंकित करके परिषद के समक्ष न रखने का निर्णय ले सकेगा। बारवां, यह भी प्रावधान किया गया कि भारत मंत्री प्रति वर्ष भारत की भौतिक तथा नैतिक प्रगति की रिपोर्ट्स संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगा। भारत सरकार के संबंध में अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान किए गए। पहला, अधिनियम में कहा गया कि भारत के शासन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश क्राउन ने अपने ऊपर ले लिया है और इसकी घोषणा रानी के द्वारा भारतीय राजा महाराजाओं के समक्ष कर दी जाएगी। दूसरा, कंपनी की सभी संबंधियां, समझौते और देनदारियां क्राउन पर लागू होंगी। तीसरा, क्राउन गवर्नर जनरल तथा प्रांतों के गवर्नरों की नियुक्ति रहेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नरों की नियुक्ति गवर्नर जनरल करेगा, किंतु इसके लिए उसके क्राउन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। विभिन्न परिषदों के सदस्यों की नियुक्ति भारत मंत्री एवं परिषद करेगी। चौथा, भारतीय सेना तथा नविता बेड़ा क्राउन के सुपुत्र कर दिया गया। पांचवा, भारत के बाहर सैनिक कार्यवाहियों के लिए भारत कोष से ब्रिटिश संसद की अनुमति
के बिना धन खर्च नहीं किया जाएगा, किंतु आक्रमण का मुकाबला करने हेतु और सहसा उत्पन्न हुए आवश्यकता की पूर्ति हेतु बिना संसद की अनुमति के भी धन खर्च किया जा सकता है। अधिनियम की समीक्षा। पहला, दोहरे शासन के दोष दूर हुए। इसमें संदेह नहीं कि 1858 ईस्वी की का अधिनियम आधुनिक भारत या इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यद्यपि संसद के विभिन्न अधिनियमों द्वारा ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण पहले ही स्थापित हो चुका था, फिर भी दोहरे शासन के कारण प्रशासनिक मामलों में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होती रहती थी। नियंत्रण परिषद तथा निर्देशक मंडल के बीच मतभेदों के कारण कभी कभी काम चलाना तक कठिन हो जाता था। अधिनियम ने इस अड़चन को समाप्त कर दिया। दूसरा, भारत का शासन शुद्ध राजनीतियों के हाथ में। दूसरे निदेशकगणों को भारत समस्याओं का अनुभव नहीं होता था और वे समस्याओं को प्रायः व्यवहारिक दृष्टि से ही देखते थे और राजनीतिक पक्ष की उपेक्षा करते थे। अब अधिनियम के पारित होने से ब्रिटिश भारत का शासन शुद्ध राजनीतिज्ञों के हाथों में आ गया। इन राजनीतिज्ञों पर संसद के का नियंत्रण होता था और संसद पर इंग्लैंड के लोकमत का। अतः भारत का प्रशासन इंग्लैंड को लोकतांत्रिक प्रश्न प्रणाली से सीधा जुड़ गया। परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड की राजनीतिक पार्टियां के उतार चढ़ाव का थोड़ा बहुत प्रभाव भारतीय प्रशासन पर भी पड़ने लगा। तीसरा, अनुभवी लोगों के हाथ में शासन। तीसरे भारत मंत्री की परिषद में ऐसे लोगों का बहुमत था जिन्होंने भारतीय समस्या का व्यवहारिक अनुभव था। यद्यपि इसके भारतीय जनता का विशेष कल्याण नहीं हुआ, फिर भी प्रशासन में कुशलता की वृद्धि हुई। चौथा, अधिनियम में कोई नवीनता नहीं, किंतु अनेक आलोचकों का मत है कि 1858 ईस्वी के अधिनियम में जो परिवर्तन किए वे बहुत कुछ औपचारिक ही थे। नई व्यवस्था में कोई तात्विक नवीनता नहीं थी। पांचवा, जनता के कल्याण की कोई बात नहीं। ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ कंपनी की आलोचना करते समय भारतीय जनता के कल्याण की बहुत दुहाई दिया करते थे, किंतु 1858 ईस्वी के अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे इस बात का आभास मिलता कि ब्रिटेन की सरकार को भारतीय जनता के कल्याण की भी कोई चिंता थी। तीसरा प्रश्न, 1861 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम की पृष्ठभूमि, कारण तथा प्रावधानों का वर्णन कीजिए। उत्तर, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। अधिनियम की पृष्ठभूमि। भविष्य में विद्रोह का आशंका को दूर करने के लिए यह आवश्यक था
कि कानून बनने में भारतीयों से परामर्श किया जाए। इस कमी की ओर सैयद अहमद ने अपनी पुस्तक क्रांति के कारण में सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। उनका कहना था कि सरकार कानून बनाने में भारतीयों से परामर्श नहीं करती थी और अनजाने में ऐसे कानून बना देती थी जिससे भारतीयों को संदेह होता था। 1857 से 1858 के महान संकट के पश्चात ब्रिटिश राजनीतिज्ञों तथा अधिकारियों में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो यह चाहते थे कि भारतीय लोकमत से संपर्क स्थापित किया जाए और जिसके कानून बनने में उनकी सहमति या असहमति ज्ञात हो सके। 1861 का परिषद अधिनियम पारित करने के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, 1858 में प्रशासन का व्यापक केंद्रीकरण था। कोलकाता में स्थापित लेजिस्लेटिव काउंसिल को समस्त भारतीय साम्राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार था। केंद्रीय काउंसिल के सदस्यों को न तो सब प्रांतों की आवश्यकताओं का ज्ञात होता था और न उनके पास इतना आवश्यक अवकाश होता था कि वे प्रांतों की आवश्यकताओं का ज्ञान कर सकें। 1853 के चार्टर में इस दोष को सुधारने का प्रयास किया गया था और प्रत्येक प्रांत की प्रेसिडेंसी को एक सदस्य मनोनीत करने का अधिकार दिया दिया था, लेकिन इससे स्थिति में सुधार नहीं हुआ। अतः यह आवश्यक था कि प्रांतों को कानून बनाने का अधिकार दिया जाए। दूसरा, प्रशासनिक केंद्रीकरण राजस्व के क्षेत्र में भी था। विभिन्न प्रांतों से उपलब्ध राजस्व एक ही फंड का भाग समझा जाता था और गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना यह धन व्यय नहीं किया जा सकता था। इस पद्धति से प्रांतों में असंतोष था। 1857 से 1858 के संकट के पश्चात प्रांतों में राजस्व के विकेंद्रीकरण की मांग हो रही थी। तीसरा, 1853 के स्थापित लेजिस्लेटिव असेंबली का संचालन डलहौजी ने संस्थात्मक प्रणाली पर किया था। इसके 6 गैर सरकारी सदस्य विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक जांच की मांग करने लगे और इंग्लैंड के विरोधी दल के समय सरकार की आलोचना करने लगे। असेंबली इस प्रकार काम करती थी जैसे वह प्रतिनिधि संख्या हो। कभी-कभी तो यह गृह सरकार की इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करती थी। केनिंग को इस प्रणाली से बहुत परेशान होना पड़ता था। अतः असेंबली का स्वरूप स्पष्ट करना आवश्यक हो गया था। चौथा, नॉन रेगुलेशन प्रांतों के बारे में गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया था कि वह अपने कार्यकारी आदेशों से विधि निर्माण कर सकता है। इस प्रावधान की भी आलोचना हो रही थी।
कंपनी के प्रशासन को समाप्त करने के बाद आवश्यक हो गया था कि प्रशासन में कुछ परिवर्तन किए जाएं। भारतीय भी परिवर्तनों की मांग कर रहे थे, अतः भारतीय आकांक्षाओं को पूरा करना भी आवश्यक था। लोवेट लिखता है कि केनिंग के समक्ष मुख्य रूप से दो प्रशासनिक समस्याएं थी जिनको हल करने के लिए भारत मंत्री ने 6 जून 1861 को ब्रिटिश संसद में बिल प्रस्तुत किया था। ये दो समस्याएं, पहली लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरी वायसराय की कार्यकारी परिषद में संबंधित थी। कॉमन सभा में बिल प्रस्तुत करके समय भारत मंत्री चार्ल्स वेड ने कहा था कि गदर में प्रशासन की समस्याएं को जटिल बना दिया था और भारत के प्रशासन में हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनसे आंखें मूंदना एक गलती होगी, इसलिए यह आवश्यक है कि हम वहां पर सभी संसाधनों की संतोषजनक आधार पर करें। इस प्रकार 1861 का काउंसिल अधिनियम का संबंध केवल भारत से था, जबकि 1858 के अधिनियम का संबंध भारत और इंग्लैंड दोनों से था। 1861 के अधिनियम से निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। पहला, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में परिवर्तन। दूसरा, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में परिवर्तन। तीसरा, प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेंबली की स्थापना। पहला, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी। कार्यकारिणी में पांचवा सदस्य जोड़ा गया। उसकी योग्यता के संबंध में कहा गया कि वह विधि विशेषज्ञ होना चाहिए। वकील के रूप में उसे 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। इन 5 सदस्यों से कम 3 सदस्य ऐसे होना चाहिए जिन्होंने भारत में कम से कम 10 वर्ष सेवा की हो। ब, गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह परिषद के कार्य को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नियम बनाए। इस प्रकार कैनिंग द्वारा स्थापित विभाग प्रणाली को अधिनियम में वैधानिक स्वीकृति प्रदान कर दी। इस प्रकार केंद्रीय सरकार में मंत्रिमंडल प्रणाली स्थापित हो गई। इस प्रणाली के अंतर्गत दिन प्रतिदिन के कार्य को सदस्य स्वयं निपटाते थे, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्नों को या जहां दो विभागों के मतभेद हो या जहां प्रांतीय सरकार के मत का को स्वीकार नहीं किया गया हो, ऐसे मामले वायसराय को प्रस्तुत किए जाते थे। अगर वायसराय और सदस्य में मतभेद हो तो पूर्ण परिषद में मामला प्रस्तुत किया जाता था। निर्णय बहुमत से होता था, लेकिन वायसराय को अधिकार दिया गया था कि जहां भारत के हितों की रक्षा का प्रश्न हो वह बहुमत निर्णय को अस्वीकार कर सकता था। वस्तुतः इस अधिकार का उपयोग प्रायः नहीं किया गया। स,
अगर गवर्नर जनरल भारत के किसी भाग में यात्रा पर जाता है, तो अपने अनुपस्थिति में वह परिषद के एक सदस्य को परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करने का अधिकार देगा, लेकिन ऐसे अध्यक्ष को विधि निर्माण का अधिकार नहीं होता था। सेकंड, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली। विधि निर्माण करने के लिए वायसराय के कार्यकारिणियों परिषद का विस्तार किया गया। इसमें कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्यों की मनोनीत करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। इन सदस्यों की अवधि 2 वर्ष रखी गई। एक्ट में प्रावधान किया गया कि अतिरिक्त सदस्यों में कम से कम आधे गैर सरकारी सदस्य होंगे। ब, इस व्यवस्थापिका के अधिकार बहुत सीमित थे। उन विषयों के लिए गवर्नर जनरल की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक था, जिन्हें महत्वपूर्ण माना गया था। व्यवस्थापिका में पारित होने के बाद भी कोई विधेयक उस समय तक कानून नहीं बन सकता था जब तक कि गवर्नर जनरल की स्वीकृति ना प्राप्त हो जाए। स, व्यवस्थापिका के अधिकार दिया गया कि व्यवस्थापिका को अधिकार दिया गया कि वह सब लोगों के लिए अंग्रेजी, देशी लोगों, विदेशियों तथा अन्य सबके लिए कानून तथा नियमों का निर्माण कर सकती थी। उसका कार्य क्षेत्र वह सब क्षेत्र था जिन पर शासन जारी था, तथा वे कानून व नियम सभी सरकारी कर्मचारी पर लागू होते थे। सम्राट की आज्ञा से उन्हें देशी रियासतों पर भी लागू किया जा सकता था। द, व्यवस्थापिका के अधिकार क्षेत्र पर कुछ सीमाएं भी लगा दी गई थी। सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक राजस्व, भारतीय धार्मिक रीतियां, सैनिक अनुशासन, भारतीय रियासतों के प्रति नीति आदि के संबंध में किसी कानून को पारित करने से पहले गवर्नर जनरल की स्वीकृति लेना आवश्यक था। व्यवस्थापिका कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती थी जिससे किसी ब्रिटिश कानून का उल्लंघन होता हो, या प्रत्येक पारित कानून को भारत मंत्री के पास भेजा जाता था। भारत मंत्री को यह अधिकार था कि ऐसे किसी कानून को अस्वीकार कर दें। ज, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। ये अध्यादेश 6 महीने तक लागू रह सकते थे। अध्यादेश के बारे में भारत मंत्री को सूचित करना आवश्यक था। तीसरा, प्रांतिक लेजिस्लेटिव असेंबली। अधिनियम में चेन्नई और मुंबई की सरकारों को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया।
कानून निर्माण के लिए गवर्नर की काउंसिल में कम से कम 4 और अधिक से अधिक 8 सदस्य और शामिल कर लिए गए, जिनमें से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना अनिवार्य कर दिया गया। गवर्नर जनरल को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वह अन्य प्रांतों में भी इसी प्रकार की व्यवस्थापिका संभाय स्थापित कर दें। इन सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष था। इनको गवर्नर मनोनीत करता था। ब, इन व्यवस्थापिका सभाओं का क्षेत्र प्रांतों तक सीमित था। कुछ विषयों पर बिना गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति के प्रांतीय सभाओं में विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकते थे। गवर्नर की स्वीकृति के बाद ही कोई पारित अधिनियम कानून बनता था। स, केंद्रीय तथा प्रांतीय विषयों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। फिर भी कुछ विषय जैसे सार्वजनिक ऋण, मुद्रा, डाकखाने, तार, धर्म, पेटेंट, पुस्तकों के कॉपीराइट आदि विषय सामान्य रूप से केंद्रीय सरकार के अधीन रहे थे। चौथा प्रश्न, 1861 के अधिनियम का महत्व तथा आलोचनाएं बताइए। उत्तर, 1861 के अधिनियम का महत्व। 1861 ईस्वी का भारतीय काउंसिल अधिनियम कुछ दृष्टिकोणों से अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस अधिनियम की सर्व प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें भारतीयों को भी सार्वभौमिक संवैधानिक कार्यों में भागीदार बनाया। इसके अतिरिक्त विभाग प्रणाली के लागू किए जाने से इसने प्रशासनिक क्षमता को भी बढ़ाया। इस अधिनियम के द्वारा भी प्रांतों को भी अपने प्रांत से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम ने कानूनी कार्यभार के हस्तांतरण, लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन में एक अच्छे कार्य का आरंभ किया, क्योंकि इससे स्थानीय ज्ञान और प्रतिभा को स्थानीय समस्याओं के हल के सिद्धांत को मान लिया। इसके साथ केंद्रीयत विधि निर्माण का अंत हुआ और विकेंद्रत व्यवस्थापन विधान का युग आरंभ हुआ। इन्हीं कारणवश अनेक विद्वानों ने इस अधिनियम की प्रशंसा की है। कुप्लेन ने लिखा है, भारतीयों को परिषदों में सदस्यता प्रदान करके और कानून संबंधी शक्तियां देकर भारतीकरण और विकेंद्रीकरण की ऐसी नीति का क्षीण गणेश हुआ जो आगे चलकर स्वायत्त शासन का आधार बनी। 1861 के अधिनियम की आलोचना। फर्स्ट,
भारत की सांविधानिक प्रगति में बाधा। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारत की सांविधानिक प्रगति में एक बाधा डालने वाला अधिनियम था। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम को कॉमन सदन में प्रस्तावित करते हुए सर चार्ल्स वुड ने स्पष्ट घोषणा की, भारत की तत्कालीन व्यवस्था में प्रतिनिधि संसाधनों की स्थापना असंभव है। उसने यह भी शिकायत की कि इसके निर्माताओं के विरोधी इरादों के बावजूद परिषद एक विवाद करने वाली सभा यह संसद बन गई है। सर चार्ल्स वुड ने ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि इस परिषद में एक विवाद करने वाली सभा बनाने का उसका कोई इरादा नहीं है। इसलिए 1861 के अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से उपलब्ध रखा गया कि कानूनी परिषदों केंद्र तथा प्रांतों में विधेयकों को कानून बनाने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं करेगी। सेकंड, परिषद में सम्मिलित उच्च वर्ग के लोगों की अरुचि तथा असहयोग। 2 दशकों तक गैर सरकारी अधिकारी जो गवर्नर जनरल की परिषद में कानून उद्योगों के लिए सम्मिलित किए गए थे, वे या तो राजे महाराजों थे या उनके दीवान बड़े जमींदार तथा सेवानिवृत्त अधिकारी थे। उन्होंने ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने में कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उनमें वे बहुतों ने ब्रिटिश सरकार के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि उन्हें वैज्ञानिक परिषदों में भाग लेना चाहिए और वे किसी बैठक में उपस्थित नहीं रहेंगे। थर्ड, भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय जनता को विधान परिषदों में कोई प्रतिनिधित्व देना नहीं था। भारत सचिव चार्ल्स वुड ने इस पर विचार किया, किंतु उसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व देना असंभव बताया। चार्ल्स वुड ने देशी राजाओं, भारतीय सामंतों और उच्च वर्ग के भारतीयों को कानून बनाने के कार्य के साथ मिलना आवश्यक समझा। इसलिए गवर्नर जनरल ने महाराजा पटियाला, महाराजा ग्वालियर और बनारस के राजा को अपनी विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कर दिया। वे व्यक्ति भारतीय जनता के प्रतिनिधि नहीं थे और न ही उन्होंने कानून बनाने में कोई रुचि दिखाई। अतः भारतीय इस अधिनियम से असंतुष्ट तथा निराश हुए। चौथा, विधान परिषद की शक्तियां सीमित। विधान परिषद की शक्तियां तो बहुत सीमित कर दिया गया। उन्हें संसद की तरह का काम करने की आज्ञा नहीं दी थी। उन्हें कार्यकारिणियों परिषदों के सदस्यों को हटाने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। उनके कानून बनाने के अधिकारों पर अनेक
प्रकार की रुकावटें लगा दी गई। पांचवा, गवर्नर जनरल की निषेधाधिकार। गवर्नर जनरल को अपनी विधान परिषद और प्रांतिक परिषदों के कानून पर निषेधाधिकार लगाने का अधिकार दिया गया। इससे सारी अंतिम शक्तियां गवर्नर जनरल के हाथ में आ गई और वह न केवल शासन संबंधी मामलों में बल्कि कानूनी मामलों में भी अपनी मनमानी कर सकता था। छठा, उत्तरदायी सरकार की स्थापना। नहीं, भारत में कोई उत्तरदायी सरकार नहीं स्थापित की गई। अंत में यह कह सकते हैं कि भारतीयों की आशाओं व अपेक्षाओं को यह अधिनियम पूर्ण न कर सका। इस अधिनियम द्वारा प्रदान विधायी सुविधाओं केवल छाया मात्र ही थी। लघु उत्तरीय प्रश्न। पांचवा प्रश्न, 1858 के अधिनियम का महत्व बतलाइए। उत्तर, 1858 ईस्वी के अधिनियम का महत्व। इस अधिनियम के द्वारा सुधारों एवं परिवर्तनों की एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत परिणति 1947 ईस्वी के स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में हुई। इस अधिनियम के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभाव हुए। पहला, भारत में दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था की समाप्ति हुई। दूसरा, भारतीय विदेश ब्रिटिश संसद में बहस के स्पष्ट मुद्दे बन गए। तीसरा, भारत सचिव व उसकी परिषद की स्थापना किए जाने से भारतीय प्रशासन की सुचारुता में वृद्धि हुई, क्योंकि इनको भारत की विस्तृत जानकारी रहती थी। चौथा, भारतीय रियासतों व ब्रिटिश सरकार के संबंधों में मधुरता आई, क्योंकि अब उन्हें अपने राज्य छीनने का भय न रहा। पांचवा, ईस्ट इंडिया कंपनी का अत्याचारी शासन समाप्त होने से भारतीयों में इस आशा का संचार हुआ कि अब उनकी स्थिति सुधरेगी। छठा प्रश्न, 1858 के अधिनियम के दोष बतलाइए। उत्तर, 1858 के अधिनियम के दोष निम्नलिखित हैं। पहला, भारत सचिव तथा उसके कार्यालय का खर्चा भारतीय राजस्व से लिया जाना पूर्णतः तर्कहीन था, क्योंकि भारत सचिव भी अन्य सभी सचिवों के समान कैबिनेट स्तर का मंत्री होता था। जब अन्य सभी सचिवों का खर्चा ब्रिटिश राजस्व के वहन किया जाता था, तो केवल भारत सचिव के मामले में ऐसा न करना असंगत था। अतः भारत द्वारा इस अधिनियम की आलोचना की गई। दूसरा, इस अधिनियम के द्वारा प्रशासन में भारतीयों को भागीदार नहीं बनाया गया था। तीसरा, भारत सचिव के अत्यधिक शक्तियां एवं अधिकार निहित थे,
जिनका शीघ्र ही दुरुपयोग होने लगा। इसी कारण भारत सचिव तथा गवर्नर जनरलों में भी परस्पर झगड़े होने लगे। उदाहरण के तौर पर लॉर्ड नॉर्मुड तथा लॉर्ड सेल्सबरी, लॉर्ड एग्लिन तथा सर हेनरी फाउलर तथा लॉर्ड मिंटो एवं मॉर्ले में बहुत मतभेदों का उल्लेख किया जा सकता था। सातवां प्रश्न, 1861 के अधिनियम के दोष लिखिए। उत्तर, प्रश्न चार का उत्तर देखें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, ब्रिटिश सरकार में भारत का शासन कब अपने हाथों में लिया? ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन कब अपने हाथ में लिया? अ 1 नवंबर 1858, ब 1 नवंबर 1859, स 1 नवंबर 1860, द 1 नवंबर 1861। सही उत्तर है अ 1 नवंबर 1858। दूसरा प्रश्न, भारतीयों के लिए इस घोषणा पत्र में स्वर्ग को धरती पर ला दिया, इसने भारतीयों के लिए शांति, समृद्धि, धर्म की रक्षा, समान व्यवहार तथा सबसे ऊंची नौकरियों पर नियुक्ति का वायदा किया, यह कथन किसका था? अ लॉर्ड मैकाले, ब रानी विक्टोरिया, स डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, द लॉर्ड लिटन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ब रानी विक्टोरिया। तीसरा प्रश्न, भारत मंत्री का पद इस अधिनियम में सृजित किया। भारत मंत्री का पद किस अधिनियम में सृजित किया? अ 1861 का अधिनियम, ब 1858 का अधिनियम, स 1909 का अधिनियम, द 1919 का अधिनियम। तो सही उत्तर है ब 1858 का अधिनियम। चौथा प्रश्न, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा अ गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि कर दी गई, ब गवर्नर जनरल की शक्तियां कम कर दी गई, स सभी शक्तियां विधायकी को दी गई, द उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका सही उत्तर है अ गवर्नर जनरल की शक्तियां में वृद्धि कर दी गई। पांचवा प्रश्न, महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? अ लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, ब लॉर्ड कैनिंग, स लॉर्ड लिटन, द लॉर्ड रिपन। तो सही उत्तर है ब लॉर्ड कैनिंग।